हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड, सौरभ करवी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं कि हमारे जीमेल अकाउंट पे जो अनवांटेड मेल आती रहती है, जिनकी जरूरत हमें नहीं होती, या फिर कई ऐड और प्रमोशन के मेल आते रहते हैं, उनको हम कैसे हमेशा के लिए अनसब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर उन्हें हमेशा के लिए कैसे रोक सकते हैं, आज की इस वीडियो पे जानेंगे। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस तरह के मेल्स को हम क्यों इनको रोकना चाहिए और क्यों अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स कि हमारे जीमेल अकाउंट पे केवल 15 GB का स्पेस होता है। अगर इस तरह के अनइंपॉर्टेंट मेल आती रहेंगी तो हमारे जीमेल अकाउंट का स्पेस फुल हो जाता है। सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स कि हम अपने इंपॉर्टेंट मेल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, इन अनवांटेड मेल की वजह से हम अपने इंपॉर्टेंट मेल को नहीं रीड कर पाते, इस वजह से भी हमें इस तरह के अनवांटेड मेल को डिलीट करना चाहिए या फिर इनको रोकना चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और जान लेते हैं कैसे हम इन अनवांटेड मेल को रोक सकते हैं। सो फ्रेंड, अपने जीमेल अकाउंट से अनवांटेड मेल को अनसब्सक्राइब करने के लिए आपको अपने जीमेल ऐप्स को ओपन करना होगा और यहाँ पर आपको कई मेल देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे पहले सबसे पहले 3 डॉट पे क्लिक करिएगा। जैसे फ्रेंड आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा प्राइमरी मेल। प्राइमरी मेल को तो वैसे आपको अनसब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे इंपॉर्टेंट मेल्स आते हैं। सेकंड ऑप्शन पे आपको देखने को मिल जाता है सोशल। तो अब सोशल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कई मेल आई हुई हैं मेरे पास, जो कि मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं होती और काफ़ी ना यूजफुल होती, जैसे कि हमारे यूट्यूब पर किसने सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, तो ये तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन और भी जो अदर सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, कि किसने कमेंट किया, किसने लाइक किया, इस तरह की जो मेल आती रहती हैं तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो अब देखिए फ्रेंड, जैसे कि अब मान लीजिए कि लिंक्डइन की मेल आ रही है तो इसको हम कैसे अनसब्सक्राइब करेंगे। ये जैसे मैंने एक मेल ओपन कर ली तो फ्रेंड्स क्या करना है कि इस मेल को ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा अनसब्सक्राइब, जैसे कि ये यहाँ पे अभी फिलहाल लिखा हुआ है अनसब्सक्राइब, तो हम यहाँ पे अनसब्सक्राइब पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड जैसे ही हम ये अनसब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्रोम ब्राउजर पे या फिर अदर किसी ब्राउजर पे ओपन करने के लिए कहेगा, तो आप इसे क्रोम ब्राउजर पे ओपन कर लीजिएगा। फ्रेंड जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक मैसेज लिख के आ गया, यू हैव अनसब्सक्राइब्ड। तो ऐसे ही करके फ्रेंड्स अगर आप चाह रहे हैं कि जो भी आपके जीमेल अकाउंट पे और अनवांटेड मेल आ रही हैं, जैसे मान लीजिए कि हम प्रमोशन पे जा रहे हैं, प्रमोशन पे भी देखिए फ्रेंड्स हमारे पास कितने सारे मेल्स आते रहते हैं। ये देखिए इसका रीजन ये होता है फ्रेंड कि जब भी आप कभी अपनी मेल आईडी किसी भी वेबसाइट पे इंटर कर देते हैं तो वहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया या फिर अमेजोन हो गया या फिर अदर कोई वेबसाइट पे, तो जो भी उनके प्रमोशन होते हैं तो उसके लिए हमें एक्सेप्ट कर लेना होता है, तो ऐसे में वो हमारे पास भेजते रहते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास जैसे कि इंटेल की मेल आई हुई है, मेरे को अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बार बार जानकारी देता रहता है कि इंटेल का नया प्रोसेसर आ गया, ये है वो है, तो इसको हम कैसे अनसब्सक्राइब करेंगे। तो सिंपल से फ्रेंड वैसे ही आप इसको मेल को ओपन करना होगा और स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना होगा। जैसे फ्रेंड स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ पे आपको सर्च करना होगा कि अनसब्सक्राइब कहाँ लिखा हो, जहाँ पर भी अनसब्सक्राइब लिखा होगा वहाँ पे आप सिंपल अनसब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही अनसब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई ब्राउजर पे ओपन करने को कहेगा, तो जैसे आप उसको ब्राउजर पे सिंपल ओपन कर लीजिएगा तो यहाँ पर वो आपकी मेल अनसब्सक्राइब हो जाएगी। मान लीजिए फ्रेंड्स कि अगर वो फिर भी नहीं अनसब्सक्राइब होती है तो फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए फ्रेंड आप सबसे पहले ऊपर मेल पे आ जाइएगा, पर्टिकुलर जिसको आपको नहीं चाहिए, तो वह उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे दिखा हुआ है ब्लॉक इंटेल, तो जिस भी मेल को आप चाह रहे हैं या फिर किसी दोस्त या पर्सन का मेल अगर आपको बहुत आ रहा है या फिर आपको लग रही है या हैकिंग वाली मेल है, तो अगर आप उसको चाह रहे हैं कि वो हमारे पास कभी ना आए तो आप सिंपल उसको ब्लॉक पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ब्लॉक आप कर देंगे तो आप क्या होगा कि जितनी भी इंटेल से रिलेटेड मेल्स होंगी अब आपके पास नहीं आएगी या फिर उससे रिलेटेड कोई भी मेल होगी तो वो अब आपके पास नहीं आएगी। आई होप फ्रेंड्स अब आप जान गए होंगे कि अपने जीमेल अकाउंट से इस तरह के अनवांटेड मेल्स को कैसे रोका जा सकता है और इन्हें कैसे हमेशा के लिए अनसब्सक्राइब किया जा सकता है। फ्रेंड्स जीमेल से रिलेटेड और भी वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस प्लेलिस्ट को जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, इस पर मैंने बताया हुआ है कि आप अपने जीमेल अकाउंट को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं। सो फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए, और इस समय COVID-19 काफी ज्यादा फैल रहा है इसलिए घर में रहें और सुरक्षित रहें। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।